दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से क्या अमेरिका डर गया है? जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में अमेरिका की तब से तूत हो रही है जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाही के मुहाने पर अकेले छोड़कर अपनी सेना अमेरिका वापस से बुला ली है। दोस्तों तालिबान अब कम से कम 8 पूरे प्रांतों को नियंत्रित कर रहा है और उसकी पहुंच में उत्तर में ऐसे क्षेत्र शामिल है जब विद्रोह का नियंत्रण नहीं था जब उसने 9/11 से पहले देश पर शासन किया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका तालिबान से डरता या फिर इसके पीछे भी अमेरिका का फायदा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव बॉब गेट ने प्रसिद्ध रूप से लिखा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने लंबे कैरियर में हर बड़े विदेश नीति के मुद्दे के गलत पक्ष में रहे और दुनिया को एक और उदाहरण अफगानिस्तान से उनकी अनुचित वापसी से मिल गया जो कि एक रणनीतिक हार और नैतिक पराजय में बदल रही है। वॉल स्ट्रीट जनरल के संपत्ति की बोर्ड ने यह टिप्पणी की है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा जारी, काबुल तक तालिबान का मार्च हर दिन अधिक प्रांतीय राजधानियों के पतन के साथ जारी है। अफगान सरकार जब अभी हमला करने की कोशिश करी और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक और सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों लॉन्ग वॉर जनरल के अनुसार तालिबान अब कम से कम 8 पूरे प्रांतों को नियंत्रित कर रहा है और इसकी पहुंच में उत्तर में ऐसे क्षेत्र शामिल है जहां विद्रोह का नियंत्रण नहीं था जब उसने 9/11 से पहले देश पर शासन किया था। गुरुवार को हेरात शहर और शुक्रवार को कंधार भी उनकी झोली में चले गए। वही दोस्तों कई अफगान सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं लेकिन उनके पास हवाई समर्थन की कमी है जो उनका मुख्य सैन्य लाभ रहा है। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जनरल के अनुसार बाइडेन ने देश से सभी अमरीकी एयरपावर को वापस लेने की गलती की है जिसमें निजी ठेकेदार भी शामिल है जो हेलीकॉप्टर और विमानों को बनाए रखने में अफगान वायुसेना की सहायता करते हैं। ठेकेदारों को अब सचमुच जूम कॉल के माध्यम से सहायता करनी पड़ रही है। संपादकीय के अनुसार व्हाइट हाउस ये समझने में विफल रहा कि क्या हो रहा है। प्रशासन तालिबान के हमले से हैरान है। सेना ने बाइडेन को चेतावनी दी थी और इसी तरह अमरीकी खुफिया एजेंसी ने भी। वही दोस्तों अमरीकी सरकार ने घोषणा की है वे अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों की कमी का समर्थन करने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर हजारों सैनिकों को तैनात करेगी क्योंकि युद्धग्रस्त इलाकों में सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के हवाले से कहा है, बढ़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर हम काबुल में अपने नागरिकों की संख्या कम कर रहे हैं। हम आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान में एक प्रमुख राजनयिक उपस्थिति की ओर आकर्षित होने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा, इस कमी को आसान बनाने के लिए रक्षा विभाग हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगा। राज्य के सचिव एंटनी बिल्किन और पेंटागन के प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने योजना के समन्वयन के लिए अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी के साथ फोन पर बात की। साथ ही गुरुवार को पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि 24 से 48 घंटों के भीतर काबुल हवाई अड्डे पर 3 पैदल सैनिक बटालियन लगभग 3,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है अफगानिस्तान के साथ गलत हो रहा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।